के बारे में पूछती थी आपको, अब नहीं पूछूंगी। मम्मा नहीं है तो कोई बात नहीं, किडनी में हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा। पता है चांद्रानी दादी कहती है भगवान जी ने मम्मी के बदले में वर्ल्ड के बेस्ट डैड दिए। अगर आपके पास दुनिया की बेस्ट बेटी हो तो कोई भी इस दुनिया का बेस्ट पापा बन सकता है। बेटा ये लो फोन, और दादी जी को फोन करके बता देना कि सब ठीक है, हम जल्द ही पुणे आ रहे हैं। ओके अनंत, आपने जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी। मेरे और मेरे बच्चों के लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। क्या शुभ्रा जी, आप भी एक ही पल में दोस्त जैसा अपनापन जताती हैं और अगले ही पल सॉरी और थैंक यू बोलकर परायों जैसा व्यवहार करती हैं। देखिए ये बहुत ही गलत है, मैंने जो भी किया वो माता जी के लिए किया। विदिका की जिंदगी में माँ की कमी पूरी हो सकती है या नहीं ये मैं नहीं जानता, आपकी बीजी ने दादी की कमी बिल्कुल पूरी कर दी है। उन्होंने मुझे बताया कि आपने अपने बच्चों को पिता का प्यार दिलवाने के लिए कमर कस ली है। मुझे खुद पर हैरत होती है, क्या मैंने अपनी बच्ची के लिए ज्यादा जल्दी तो नहीं कर दी हार मानने में? लेकिन अब मन में कोई अफसोस नहीं होगा कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप को अपना दुख भूलना पड़ता है, और शायद यही हम कर रहे हैं। मेरी आजादी के लिए आपने क्या कीमत अदा की है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उम्र भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा। केस वापस लेने के लिए तैयार हूं, एक शर्त पर। जो तुम कहो सब मंजूर है। तो ठीक है, अपना सामान समेटो, बच्चों को लेकर आज ही यहां से वापस चली जाओ। क्या आनंद जी, एक ही पल में दोस्त बोलकर आप अपनापन दिखाते हैं और दूसरे ही पल में कर्जदार बनाकर पराया कर देते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। अपना और वेदिका का खूब ख्याल रखिएगा, बहुत प्यारी बच्ची है। बेटा ऋषि रोली तुम्हें बहुत 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 मिस करेंगे। चले, थैंक यू, बाय। ऋषि रोली को कैसे समझाओगे, हम जा तो रहे लेकिन पापा के बिना। ऋषि तो समझ भी जाएगा लेकिन रोली को कैसे मनाऊंगे, उसे समझाना बहुत मुश्किल होगा। मामा, आई मामा, आई अनंत अंकल। पुणे चले गए। ठीक है मामा, हम लोग को जाएंगे अपने घर वापस पुणे, आप मैं ऋषि और पापा जा रहे हैं। बेटा पापा भी चलेंगे साथ में? पापा नहीं जाएंगे हमारे साथ। हाँ पर बाद में सब बदल गया, अभी पापा हमारे साथ नहीं जाएंगे। अब बताओ ना मम्मा क्या बदल गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो उन्होंने होता फाइट में, पहले जीत गए फिर हार गए। नहीं बेटा वो आपने झूठ बोला था ना मम्मा, ताकि मैं पुणे जाने के लिए रेडी हो जाऊं। पापा को वापस जाना ही नहीं था, हम लोग जीते ही नहीं है इसीलिए, है ना? नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मेरी बात समझ। नहीं सुनूंगी कैसे कट्टी कट्टी कट्टी, अब झूठ भी।
शैतान रोली। आई लायर भी नहीं है, चीटर भी नहीं है, समझ आया? ऋषि आजा बच्चा, मैं सब चाहती हूँ। नहीं सुनूंगी, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, पापा के साथ ही रहूंगी। मुझे बस पापा के साथ ही जाना है। पापा अगर आप नहीं चलोगे ना तो मैं नहीं जाऊंगी पुणे। पुणे कब? हमारी ऐसी कोई बात, तुमने कुछ कहा था ऐसे? क्या हो क्या रहा है? हाँ पापा, मम्मा ने बोला था कि हम आ जाएंगे अपने घर। जब मम्मा के साथ नहीं जाना पापा, मुझे आपके साथ रहना है। मैं आपकी प्रिंसेस हूँ ना। क्या कहूं उस बच्ची से कि उसके पापा उसके साथ क्यों नहीं रह सकते? किस मुंह से मेरोली को ये बताओ कि हम हार गए, हमें हारना पड़ा ताकि किसी और को उसके हिस्से की खुशियां मिल सके। समझाऊं अपनी बेटी को, मेरे पापा का प्यार अब तुझे सिर्फ किश्तों में ही मिल सकता है। तेरे पापा तेरी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा नहीं बन सकते। क्या जवाब दो पापा, बोलिए ना क्या जवाब दो? क्या कर रहा है ऋषि? जो पापा ने किया था। आई आपने स्टोरी सुनाई थी ना, जिसमें शिव जी अपने दोनों बेटे पापा और कार्तिकेय को पूरे वर्ल्ड के 3 राउंड्स लगाने को कहते हैं। पापा अपने आई पापा के 3 राउंड्स लगाते थे और बोलते मेरे लिए तो आप ही सारी दुनिया। आई आप ही तो मेरी सारी दुनिया हो, और रोली के लिए भी।
पापा अभी हमारे साथ पुणे नहीं चल सकते तो क्या हुआ? जब टाइम मिलेगा तब आ जाएंगे। लेकिन हम तीनों तो साथ में रहेंगे ना, मैं, आप, रोली। हमारा वर्ल्ड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना आई? हाँ बेटा, ऑलमोस्ट कंप्लीट। जब मैं सरप्राइज टेस्ट में फेल होता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जब अमोल भी फेल होता है तो इतना बुरा नहीं लगता। हमारी गेम में हम सब फेल हो गए, दादी और अजीब भी फेल हो गए, है ना? तो उतना सैड फील करने वाली कोई बात नहीं है। चल आई, पैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं वरना कुछ छूट जाएगा यहाँ पर। प्रिंसेस रोली, अगर आप पुणे नहीं जाओगे तो फिर वहां के लोगों को संभालेगा कौन? हाँ, वो अमोल, वो तो सबको तंग करेगा, सबके टिफिन से खाना खा जाएगा, क्योंकि प्रिंसेस रोली नहीं होगी ना उसे रोकने के लिए, है ना? और बेचारी प्राप्ति कितना मिस कर रही होगी ना अपनी बेस्ट फ्रेंड को, है ना? पता है, हमारी टीचर का भी फोन आया था मुझे, कह रही थी कि रोली को ना सब मिस कर रहे स्कूल में, इसलिए तुम्हें तो पूना वापस जाना होगा। आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ओके, देखो, अगर तुम प्रिंसेस रोली हो तो मैं भी तो किंग कुलदीप हूं, राइट? अब मुझे अपने किंगडम को मैनेज करने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। और तुम्ही ने कंप्लेन किया था ना कि पापा आपके पास तो टाइम होता ही नहीं है अपनी प्रिंसेस के साथ खेलने के लिए, किया था ना? बेटा, बहुत सारे पैसे कमाने के लिए ना पापा को बहुत काम करना पड़ता है, राइट? लेकिन अगर तुम पुणे जाओगी ना तो आई प्रॉमिस हर वीकेंड पापा सारा टाइम जो है अपनी प्रिंसेस के साथ स्पेंड करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। ये वाला प्रॉमिस तो मैं पहले भी करा था पापा, ना वीकेंड पे आए ना ये फेस्टिवल पे आए। बेटा, पापा की नई नई जॉब थी ना इसलिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस मैं एवरी वीकेंड पर आऊंगा। ओके, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। चलो जाओ, जाकर अपना सामान पैक कर लो, कम ऑन गो। सुनो, हर वीकेंड पर घर आने का झूठा वादा नहीं करना चाहिए था रोली से। झूठा वादा नहीं था, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा वो सुनो, संजना से बात हुई तुम्हारी? पुराना फ्लैट खाली है ना? हाँ, संजना मकान मालिक से कह देगी कि हम आकर दोबारा उस पुराने घर में रहेंगे। ओके, अच्छा ये मैंने ना ये एक्स्ट्रा कैश निकाल के रखा है मैंने, जाते वक्त खर्चा होगा, फिर उस घर को रहने के लायक बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी,
इसके अलावा भी मैं और पैसे भेजता रहूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी अब तुम्हें, ठीक है? डोंट वरी, ये रख लो इसे। जिसकी उम्मीद में आए थे वो तो नहीं मिला कुलदीप, और कोई भी दौलत उस कमी को पूरा नहीं कर सकती। इसकी जरूरत नहीं है, बच्चों को जो वादा किया है बस उसे निभा लें। बच्चों का दिल मत तोड़ना, इस उम्र में वो संभाल नहीं पाएंगे। सैम, तुमने ऋषि की फेवरेट वेफर्स और रोली की फेवरेट क्रीम बिस्किट्स पैक कर दिए ना? यस बेबी, मैंने फिरकी को बोलकर लंच भी पैक करवा दिया है बैग में, रास्ते में जाते हुए खा लेंगे। और बच्चों के फ्रेंड्स के लिए एक बहुत बड़ा चॉकलेट का बॉक्स भी है। पुणे जाके खोलना, ओके? चले। पापा, आई विल मिस यू टू। तुम दोनों को बहुत मिस करूंगा। पापा, हमें प्रॉमिस तो नहीं बोलोगे ना? नेवर, नेवर। तुमसे जुड़ी मेरी सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया कुलदीप। इस सच को स्वीकार कर लिया मैंने कि कुलदीप और शुभ्रा की कहानी आखिर खत्म हो गई, कुछ बाकी नहीं रहा हमारे बीच। फिर भी ना जाने क्यों दिल की गहराई में एक आशा की छोटी सी कोपल अब तक कुमलाई नहीं, जो कहती है एक दिन तुम आओगे, गिड़गिड़ाओगे। प्लीज मुझे अपना लो शुभ्रा, और काश जब वो दिन आए तुम्हारे लिए मेरा दिल नम पड़ चुका हो, ना दर्द ना प्यार ना कोई और एहसास। अगर कुछ हो तो बस वही अनजानापन जो यहां तुम्हारे बर्ताव में था मेरे लिए।